Hi guys, it's Mama Panda here. Today weather is so cold and I am craving for some healthy savory hot beverage. I think a bowl of warm homemade soup is a wonderful idea. So today I am making a cream of mushroom soup. This soup is good for growing kids because it has a lot of goodness in it. This soup offers a range of nutrients like necessary carbohydrates, good fats, protein, calcium, mineral, and vitamin B2 and B3, vitamin C and D, which boosts bone mineral density and boosts immunity. You will see the nutrient fact sheets at the end of the video, so you will know how much calories and nutrients you will get from it. Let's start the recipe. ये क्रीम ऑफ मशरूम बनाने के लिए ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. इसमें हमें चाहिए है मशरूम 500 ग्राम्स, ऑलिव ऑयल लाइक 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 स्मॉल मीडियम रेड अनियन, 2 टेबलस्पून ऑफ चिकन पाउडर और हमें इसमें पानी चाहिए तकरीबन 2 लीटर, 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, 3 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश थाइम एंड फ्रेश क्रीम, कुकिंग क्रीम जो कि हमें चाहिए 284 ml. अब हमने जो है एक पतीली ली है कि मीडियम साइज की, जो कि हमने मीडियम फ्लेम पे इसको रखा है और इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल लें. इसी के अंदर जो है 1 टेबलस्पून बटर और इसको अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स कर लें और इसको वेट करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाए. अब हम इसमें जो है अनियन डालेंगे और इसको सौते करेंगे कपल ऑफ मिनट. अब हम इसमें जो है गार्लिक डालेंगे और अब हम इस गार्लिक को तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे. अब हम इसमें जो है मशरूम डालेंगे जो हमारे तकरीबन 500 हैं. इसको अच्छी तरीके से जो है ऊपर नीचे कर लें. अब देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है इसका इतना पानी रह गया है और इसकी शक्ल ऐसी हो गई है. अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा नमक डालेंगे. तकरीबन जो है मैंने 1/2 टीस्पून नमक और अभी इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून. इसको मिक्स करेंगे हम और अब हम इसमें फ्रेश थाइम डालेंगे को भी मिक्स करेंगे. अब इसमें हम जो है जो हमारे 3 टेबलस्पून जो है हमारे फ्लावर था मैदा वो डालेंगे इसमें और उसको भी भून लेंगे इसी मशरूम के साथ ही. फ्लावर डालने के बाद देखेंगे हल्का हल्का थिक होना शुरू हो गया. हम इसको फ्लावर के साथ भूनेंगे ताकि जो है इसका जो है कच्चापना ख़त्म हो जाए और ये फ्लावर हमने थिकनेस की वजह से डाला है और फ्लेवर की वजह से भी. अब इसमें जो है हम तकरीबन जो 2 लीटर का हमारा वाटर है वो डालना है. अब इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून जो चिकन पाउडर था वो डालने हैं और क्योंकि चिकन पाउडर में भी जो है वो नमक होता है तो इसलिए मैंने नमक कम डाला है. और अगर आपको कम लगे तो आप एंड में डाल सकते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक. अब हम इसको जो है अच्छी तरह से घुमाएंगे और वेट करेंगे कि उसमें उबाल आ जाए और इसलिए मैं अपना थोड़ा चूल्हे की आँच जो है ज़्यादा कर रही हूँ. अब देखिए इसमें बॉयल आ गया है तो अब इसको हिला के इसको सबसे हल्की आँच चूल्हों की होगी उस पर रख देंगे. अब इसको हम तकरीबन 1 आवर पकाएंगे ढकना बंद करके हल्की आँच पर. हमारा ये मशरूम सूप रेडी था मगर मैंने इसे थोड़ा और जो है ठंडे होने दिया क्योंकि मुझे सूप को ब्लेंड कर मतलब रफली ब्लेंड करना आएगा. मैं जो हूँ हैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है और नॉर्मल वाला है तो आप ब्लेंडर में इसको डाल के कर सकते हैं. अब ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा रफली मैंने कर लिया है. इसमें थोड़े पीसेस आ गए हमें बस इतना ही करना है. बहुत स्मूथ नहीं करना है क्योंकि इसके चंक आने चाहिए.
तब ये रेडी है, मैं क्रीम मिलाऊंगी और क्रीम डालते के साथ ही इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अभी जितना पहले अगली लग रहा था, अब जो है इसका अच्छा कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल क्रीमी टेक्सचर और कलर आया इसका। और सी नाउ सूप इज रेडी टू सर्व। और इसको हम सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड से। और अगर आपके पास घर में गार्लिक ब्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली जो है नॉर्मल ब्रेड के पीसेस लें, उस पर जो है रूम टेम्परेचर पे बटर में सॉल्ट और हर्ब डालें जो आपके पास फ्रेश हर्ब हो लाइक कोरिएंडर, और उस बटर को आप अपने जो है नॉर्मल स्लाइस पे लगा के फ्राई पैन में जो है सेक लें।